बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के साथ मैं हूं तौसीफ अली स्वाति। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानब से दायर आईनी दरख्वास्त में वजारत दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया गया कि अदालत हुक्म दे कि पीटीआई को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाजत दी जाए। पीटीआई के एहतजाज के रास्ते में किसी शहर में रुकावटें खड़ी न की जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि अदालत हुक्म दे कि पीटीआई के किसी कारकुन को रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीटीआई के खिलाफ डराने वाले हथकंडे और घरों पर छापे न मारे जाए। अवाम की नकलो हरकत को किसी तौर पर किसी शहर में न रोका जाए। दरख्वास्त में सदा की गई है कि अदालत हुक्म दे एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। नाज़रीन, वाज़ह रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत की जानब से इलेक्शन का ऐलान न करने की सूरत में इस्लामाबाद में एहतजाज की काल दे रखी है।